टू हेयर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ कोन इफ स्लेंट हाइट एंड डायमीटर इज गिवन। सो वी नीड टू फाइंड आउट टी एस से हेयर। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये आपके स्लेंट हाइट हो गई 21 और डायमीटर हो गई 24। सो गिवन में हमने यहाँ पर राइट कर दिया फर्स्ट डी इक्वल्स टू 24, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 24 ओवर 2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, क्लियर। और देयर आफ्टर एल इक्वल्स टू वी हैव हेयर 21 सेंटीमीटर। वाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द टी एस से। सो वी हैव टी एस से ऑफ कोन इक्वल्स टू, टेल मी द फॉर्मूला ऑफ टी एस से ऑफ कोन, टेल टेल पाई आर एल प्लस आर, वेरी गुड, पाई आर एल प्लस आई, पाई आर एल प्लस आर। सो देर इज़ ए नो नीड ऑफ हाइट, हाइट की हमें यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, तो फाइंड ही नहीं करेंगे भाई। जहाँ हमें ज़रूरत नहीं तो वहाँ हम क्यों फाइंड करें हाइट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू वी हैव हियर 12, आर की वैल्यू 12 है भाई, देख लो एक बार, चेक कर लो, हाइट 21 है, स्लेंट हाइट 21 है और बेस डायमीटर सो वेरी गुड 12 भी है। अब यहाँ पर आ गया 21 प्लस 12, ठीक, 22/7 मल्टीपल 12 मल्टीपल 3 3, इजंट इट। अब देखिए 7 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा। देखिए फर्स्टली हमने 12 की 22 की 12 से की तो हमें ये गेट हो गया, और 2, 4, 6 की 13 से करेंगे तो ये गेट होगा। सो फाइनली हमें 8/7 मिल गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं व्हाट विल वी गेट हेयर, इजंट इट। इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड जब करेंगे हम यहाँ पर इसको 8/7/12 को, 7 1 जा 7 वन आ गया, 7 2 जा 14 थ्री गेट हुआ, 1 डाउन कर लिया, 4 टाइम 3 फिर 12 उतार लिया। सो नाउ 2 को फिर से डाउन कर लिया, फिर 4 टाइम ये आ गया यहाँ पर 28, 4 पॉइंट यहाँ पर पुट किया, 0 लिख दिया यहाँ पर, 0 बढ़ा दिया वीकेंड से, ये 5 टाइम चला गया, फिर 5 बचा। अब ये हमने फिर से 0 लिख देंगे, अब ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम लिख दो या 7 टाइम लिख दो। तो कुल मिलाकर जो हमें मिल गया ये सोल्व करने के बाद, यहाँ राइट कर सकते हैं 1 2 4 4 4.6 सेमी स्क्वायर टी एस से हमारा आ गया, टी एस से वी कैन से। सो दिस इज द टी एस से ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।